नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आपका साथी अभिनव तुषांशु पांडे और अभिभाषा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा का विषय, हम हर रोज बढ़ते जा रहे हैं अपने उद्देश्य की ओर। हम क्या कर रहे हैं, कक्षा 12वीं में भौतिकी की तैयारी कर रहे हैं। ECG बोर्ड का एग्ज़ाम सीरीज चल रहा है और अभिप्सा के प्लेटफॉर्म पर आपको एग्ज़ाम सीरीज मिशन 2023 के नाम से ये सारी वीडियोस और इसके साथ में एडिशनल मटेरियल मिलने वाले हैं। तो हम जो चर्चा कर रहे थे वहाँ पर जो है हमारी बात चल रही थी PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। अब PYQ की बात चल रही है और यहाँ पर जो है हम लोगों ने फिफ्थ चैप्टर का पहला PYQ जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं उसके बारे में जो है बातें कर ली हैं। और अब इसी सिलसिले में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और अब जो है प्रश्न देखेंगे। देखो, चुंबकत्व और द्रव हमारे चैप्टर का नाम है और यहाँ पर जो है आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित कीजिए और इसके किसी तीन गुण की व्याख्या कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ क्या होती हैं, किसी चुंबक के आसपास वह काल्पनिक रेखाएँ, किसी चुंबक के आसपास वह काल्पनिक रेखाएं जिस पर यदि हम एकांक चुंबकीय उत्तरीय ध्रुव को रख दें तो वह जिस प्रकार से गति करेगा उसे हम चुंबकीय बल रेखाएं कहेंगे। इसके बाद में इसे परिभाषित करने के लिए हमारे पास में और क्या है, हमारे पास में ये है कि भैया हमको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर B.dA। तो यहाँ पर जो है हम ये बोल सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक फ्लक्स प्रति एकांक क्षेत्रफल मैग्नेटिक फ्लक्स की जो है मात्रा को जो है हम चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं। इसका जो है मात्रक क्या हो सकता है, तो चुंबकीय बल रेखाओं का मात्रक टेस्ला होता है, लेकिन क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का मान जो है वो वेबर होता है इसलिए वेबर मीटर प्रति वर्ग मीटर ये जो है चुंबकीय बल रेखाओं के जो है मात्रक हैं। ये चीज़ें समझ जाने के बाद में हम इसके जो है गुण लिखेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं वे रेखाएं हैं जिन पर बना हुआ कोई भी स्पर्श, जिन पर बनी हुई कोई भी स्पर्श रेखा उस बिंदु पर एकांक उत्तरीय ध्रुव पर लगने वाले बलों की दिशा को प्रदर्शित करता है। दूसरी बात क्या बोल सकते हैं हम लोग कि दो चुंबकीय बल रेखाएँ एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तीसरी बात हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी क्षेत्रफल में प्रति एकांक क्षेत्रफल में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या वहां पर चुंबकीय बल की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। चौथी बात हम क्या कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं, इसीलिए दो विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। चौथी बात क्या बोल सकते हैं, पाँचवीं बात हम बोल सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएँ चौड़ाई में एक दूसरे पर दबाव लगाती हैं और इसीलिए समान ध्रुव प्रतिकर्षित होते हैं। इसके बाद में हम चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में एक विशेष चर्चा ये भी कर सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं सतत होती हैं, इनकी कोई शुरुआत या कोई अंत नहीं होता है। इनकी दिशा कैसी होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर इनकी दिशा होती है, लेकिन ये सतत होती हैं। तो इतनी सारी चीज़ों की बातें हम लोगों ने कर ली। प्रश्न कब पूछा गया था, 2022 में, और यह 3 अंक का प्रश्न रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बोलते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बल आघूर्ण की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए इस प्रकार से रेखाएं बना सकते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए इस प्रकार की रेखाएं बनाने के बाद में हम लोगों ने यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव रख दिया। यहाँ पर मान लो कि उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर मान लो कि दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पर लगने वाले जो है बल का जो है मान अगर हम निकालना चाहें तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, भाई यहाँ पर जो है अगर चुंबकीय क्षेत्र की जो है तीव्रता अगर B हो और यहाँ पर यदि S ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य M हो तो यहाँ पर लगने वाले बल का मान F बराबर BM हो सकता है। यदि हम लोगों ने मान लिया है कि इसकी लंबाई 2L है और यहाँ पर जो है इस पर क्योंकि एक बल इस तरफ भी लगेगा और इस बल का मान भी F बराबर BM होने वाला है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर विपरीत दिशा में
विपरीत दिशा में दो बल लग रहे हैं जिनके बीच का जो है लंबवत दूरी d है। यदि हम d निकालना चाहें और ये कोण थीटा मान लें तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता है और इस समकोण त्रिभुज में ये कोण थीटा, ये लंबाई d और ये लंबाई 2l है। तो हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर d बटा 2l, या हम बोल सकते हैं d बराबर 2l साइन थीटा। इसके बाद में जो है हम क्या करेंगे, इस पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करेंगे। तो बल आघूर्ण टाऊ का मान होता है बल और उसके गुणा में, बल और गुणे में लंबवत दूरी, और यहाँ से हमको मिल जाएगा 2l साइन थीटा गुणा, पहले बल देखिए bm और लंबवत दूरी हो जाता है 2l साइन थीटा। और इस तरीके से अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो हमको जो है एक बात और पता है, और ये है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि PM का मान हमको पता है, ये 2m और l होता है जहाँ पर 2l इसकी लंबाई है और m जो है इसका ध्रुव प्राबल्य है। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है हम m और 2l को हटा करके बल आघूर्ण का मान b और यहाँ पर PM यानी कि ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है और यहाँ पर हो गया साइन थीटा। अब इसके बाद में हमें कार्य की गणना करनी है। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है कार्य की गणना करने के लिए हमको किस बात की ज़रूरत पड़ेगी, हम देखेंगे कि कुल मिला के एक बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य जो है होता है बल आघूर्ण और कोणीय विस्थापन। तो यहाँ पर जो है छोटा सा किया गया कार्य यदि इतना हो तो पूरे कार्य के लिए हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, देखिए ये है पी बी साइन थीटा और यहाँ आ गया डी थीटा। और इस प्रकार से जब हम इसका जो है समाकलन करेंगे तो पी एम और बी ये बाहर निकल जाएगा और साइन थीटा दृश्य मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी और यहाँ हो जाएगा पी एम और ये दोनों जो है क्या होंगे, परिमाण होंगे। और उसके बाद में साइन थीटा डी थीटा का जो है अगर हम समाकलन करते हैं साइन थीटा डी थीटा तो हमको यहाँ पर मिलेगा पी और बी और यहाँ साइन थीटा के लिए जो है हो जाता है माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर जो है इसका जो है जो लिमिट हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा वन से थीटा टू। और इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा पी और बी और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा टू ऋण कॉस थीटा वन, क्योंकि ऋण कॉस थीटा है इसलिए जो है इसका ऑर्डर जो है बदल जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा वन से कॉस थीटा टू। और इस प्रकार से जो है हम कुल मिला के किए गए कार्य के लिए व्यंजक उत्पन्न कर चुके हैं और यही व्यंजक जो है हमें उसमें स्थितिज ऊर्जा के मान के बारे में भी बताता है। अगला प्रश्न आप ध्यान से देखेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक के लिए स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये 2019 का प्रश्न है, इससे पहले पूछा गया प्रश्न भी 2019 का था, मतलब एक ही बात अलग अलग सेटों में अलग अलग ढंग से पूछी गई है, अभी ही आप लोगों ने इसके लिए व्यंजक स्थापित किया है। चलिए आगे देखते हैं, 2020 का प्रश्न है और ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक धारा वाही लूप है और इस लूप की चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, उसमें बहने वाली धारा और लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो है अगर हम जो है ये देखना चाहें कि हम किस प्रकार से जो है इसके लिए व्यंजक उत्पन्न कर पाएंगे तो ये चीज़ हम देखेंगे अगले वीडियो में। आप जो है बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।